नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरुजी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइस। इफ यू आर इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, काफी टाइम से मैंने अपडेट नहीं डाला है उन लोगों के लिए जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। सो आज की रीडिंग आप लोगों के लिए मैं करने जा रही हूँ। जनरल रीडिंग होने वाली है, सो प्लीज ओनली पिक वॉट रेजोनेट्स विद यू, लीव द रेस्ट। एंड टाइमलेस रीडिंग है, दैट मीन्स जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है आपको ये मैसेजेस तभी मिलने हैं। महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिफोर वी बिगिन, जिनसे भी आपकी बातचीत नहीं हो रही है, आपको उस इंसान का, उस व्यक्ति का ध्यान करना है अपने मन में। 3 बार उनका नाम आपने रिपीट करना है। एंड ड्यूरिंग द सेशन, ड्यूरिंग द रीडिंग, आप इस पर्सन का जो फेस है डिविनेशन बाउल के अंदर भी विजुअलाइज कर सकते हो। ऑल्सो प्लीज मेक द एनर्जी एक्सचेंज विच इज जस्ट अ लाइक। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, वीडियो को फटाफट से एक लाइक दे दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इफ यू आर न्यू। लेट्स स्टार्ट अवर टूडेज सेशन। लेट अस लाइट द कैंडल एंड लेट्स सी, जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है, उस इंसान की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। आज आप लोगों के लिए मेरे हाथ में ये ब्लू कलर का कैंडल आया है। ब्लू इज द कलर ऑफ अवर थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, इंडिगो कलर। लेट्स सी, आई कैन सी अ फ्यू स्पॉट्स। यहाँ पे कुछ स्पॉट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई होप दे आर क्लियर इन द कैमरा एज वेल। बीच में अगर आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ इस हिस्से में, विच इज अ साइन ऑफ नेगेटिव एनर्जी। ठीक है, आई फील के आप में से काफी सारे लोगों का जो भी कनेक्शन है इस पर्सन के साथ में, वो काफी टाइम से काफी अप्स एंड डाउन से होकर के गुजर रहा है, या बहुत समय से आप लोगों ने एक स्मूथ कनेक्शन, स्मूथ कन्वर्सेशन एक्सपीरियंस नहीं किया है इस पर्सन के साथ में। और यहाँ पे कई लोग ऐसे भी हैं जिनका कम्प्लीटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं है। अभी कुछ समय पहले तक शायद आप लोगों की बात हुई है, बट वो कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रही। र बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, आर र। सो ये नेम इनिशियल हो सकता है। मुझे यहाँ पर नंबर 2, नंबर 7 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। समवन हु इज 27 ईयर्स ओल्ड मे बी, ओके। एंड ये 27 डेट भी हो सकती है, मे बी 27 तारीख को आप लोगों की बातचीत हुई हो या होने वाली हो, नेक्स्ट कन्वर्सेशन। नंबर्स जो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आई कैन सी अ साइन ऑफ मैनिपुलेशन। कोई किसी को मैनिपुलेट कर रहा है, किसी की एनर्जीज या थॉट्स को मैनिपुलेट कर रहा है। कहीं कहीं मुझे कुछ लोगों के लिए मैजिक का साइन भी दिखाई दे रहा है, जो कि सपोर्टिव एनर्जी में नहीं आ रहा है, खराब कर रहा है एनर्जी को या आप लोगों के कनेक्शन को। कुछ लोगों के लिए है, ऑफ कोर्स प्लीज हर किसी को इस मैसेज से रिलेट नहीं करना है। नजर भी लगी हुई है, ईविल आई रिमूवल। आप अपना भी कीजिए, अपने कनेक्शन का भी कीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ फोटो रखनी है सामने अपनी और अपने पार्टनर की। फोन में नहीं करना है, फोन में फोटो नहीं, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए फोटो का। आपको कागज चाहिए और उसके साथ में आप 2 लौंग ले लीजिए, साबुत लौंग, टूटी भी नहीं होनी चाहिए। एक छोटा सा देसी कपूर का टुकड़ा ले लीजिए, उसको मुट्ठी में पकड़िए और फोटो के ऊपर से 7 बार वार दीजिए और उसको जला दीजिए। 10 से 11 दिन, कम से कम 11 दिन इस प्रोसेस को कीजिए। जिनके रिश्ते पे नज़र लगी हुई है, आपको चीज़ें हल्की होती हुई एक्सपीरियंस होंगी, चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। स्पेशली इफ़ यू आर मैरिड, या अगर ऐसे लोग हैं आपके आसपास में जो आपके कनेक्शन को नज़र लगाते रहते हैं, तो वो लोग ये रेमेडी ज़रूर करें। बहुत सिंपल है बट बहुत पावरफुल है। आई कैन ऑल्सो सी कि ये पर्सन जो है ये मेंटली कहीं स्टक हैं, इमोशनली कहीं स्टक हैं, या इन्होंने अपने लिए एक प्लान बनाया था, एक रास्ता बनाया था और वो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया।
ओके, उसमें कुछ भी इनको क्लैरिटी नहीं मिली, या जो रास्ता इन्होंने अपने लिए चूज़ किया था और जो आउटकम इन्होंने अपने लिए सोचा था वैसा आउटकम इनको नहीं मिला है, और अभी इनकी लाइफ में इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है या आज के टाइम में इस समय में लाइक नथिंग मेक सेंस, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इनका जो फेथ है वो भी कहीं ना कहीं मुझे एक डोलता हुआ दिखाई दे रहा है लाइफ के ऊपर और अपने ऊपर। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान का जो लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा लो जा रहा है। सो जिस इंसान का रिश्ता अपने खुद के साथ में ही अच्छा नहीं है, वो दूसरे लोगों के साथ में भी उसके कनेक्शन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो पाते हैं। यू नीड टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स योर सेल्फ फर्स्ट, तभी कहते हैं कि सेल्फ लव ज़रूरी है, इससे पहले कि आप किसी और को लव ऑफर करो अपने आप को तो प्यार करो पहले। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन में उस चीज़ की कमी है, या ये गिल्ट में जा रहे हैं और इनका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो रहा है। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों के साथ में शायद ऐसा हुआ है कि सेपरेट करने के लिए कुछ वर्क किया गया है, काफ़ी सारे लोगों के ये जो साइन यहाँ पे बनाए, मे बी दिस इज मेंट टू बी इफ़ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग। अगर ये रीडिंग मिल रही है आपको इस समय पर, आप देख रहे हो कहीं सेपरेशन आ गया है आप लोगों के बीच में, और ये बहुत ही ज़्यादा लाइक सडनली हुआ है, बहुत सरप्राइजिंग रहा है। मे बी आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके से कुछ ब्रेक आ जाएगा आप लोगों के कनेक्शन में, और बहुत अचानक से ये सेपरेशन हुआ है, और ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी के थ्रू करवाया गया है। ये मैजिक के थ्रू भी हो सकता है और ये इन जनरल माइंड कंट्रोल के थ्रू भी हो सकता है। आई कैन सी हेयर कि इवन इस समय पर या आजकल के टाइम में ये इंसान जिसके भी साथ में है या जिनके भी ये कनेक्ट में है, इवन उस पर्सन के साथ, उन लोगों के साथ में भी इनको कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, या लोग इनको आपसे अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इट इज़ अ कार्मिक जर्नी फॉर मैनी पीपल, कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक जर्नी काफ़ी सारे लोगों के लिए, वॉट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, कई जगह इन्फिनिटी सिम्बल्स बन रहे हैं, अगेन यूनिवर्सल एनर्जी, यूनिवर्सल मैसेज, जो ऊर्जा आप बाहर सेंड आउट करते हो वही एनर्जी वापस में आपके पास में आती है घूम फिर करके। सो आई फील ये स्ट्रेस्ड है, इन्होंने शायद किसी और को स्ट्रेस दिया है या इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, इसलिए आज के दिन में ये इंसान मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड दिखाई दे रहे हैं या स्टक दिखाई दे रहे हैं। लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन दिखाई दे रहा है। दे कैन इवन हैव एन आर्ग्यूमेंट विच इज़ सैड, इनका आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है किसी के साथ में, अननेसेसरी किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। And again, this is happening post 5 PM timing. देखें अगर हम तो ये शाम के टाइम में मुझे आर्ग्यूमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है इनका फादर के साथ में या अपने एल्डर ब्रदर के साथ में। ये बहुत पर्टिकुलर मैसेज था, और कोई कहीं जाने की बात कर रहा है, किसी की कोई ट्रैवल प्लान्स बन रहे हैं। मे बी वी हैव अ शू लाइक सिम्बल ओवर हियर, someone is either walking, maybe right now they are walking or trying to walk out of a situation, या सच में कहीं travel करने का plan बन रहा है, ठीक है, कहीं आना जाना हो रहा है। so a lot of movement is happening, आज की जो इनकी energy आ रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा movement हो रही है, but lack of clarity है और guilt में जा रहे हैं। ये तीन main points आज की reading में मुझे आप लोगों के दिखाई दिए हैं। फिलहाल इस रीडिंग को हम यही क्लोज कर रहे हैं, वैक्स भी ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, फिनिश हो गया है, एंड दैट्स इट गाइज, आई विल सी यू इन नेक्स्ट डिविनेशन सेशन, होपफुली विल बी अपलोडेड सून। आई नो रीडिंग्स में थोड़ा थोड़ा गैप हो जाता है, कुछ कुछ डेज का गैप हो जाता है, इट्स ऑल बिकॉज आई गेट वेरी बिजी, मेरा रिसर्च वर्क चल रहा है, जैसे ही कंप्लीट होगा मैं अपनी रिसर्च आप लोगों के साथ में भी शेयर करूंगी। सो या आई विल सी यू इन नेक्स्ट डिविनेशन सेशन, टिल देन अपना ध्यान रखिएगा, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी।